आभार अभिनंदन सो स्वागतम। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लॉक। इसका नाम है, हिंदी में हम उसको घड़ी कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको क्लॉक कहते हैं। तो देखिए भाई, क्लॉक कितने प्रकार की हो। क्लॉक आर टू टाइप्स, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एयरफोर्स वाई ग्रुप में और नेवी डबल ए एस एस आर में सिर्फ एनालॉग घड़ी के से ही सवाल पूछे जाते हैं। डिजिटल घड़ी से आज तक भी सवाल नहीं पूछा गया। एनालॉग घड़ी वे होती है जो सुई वाली घड़ी होती है, और डिजिटल घड़ी वे होती है जो नंबर वाली घड़ी होती है। तो एनालॉग घड़ी को हम पढ़ते हैं एनालॉग घड़ी, इसको हम हिंदी में सुई वाली घड़ी भी कह सकते हैं। इसका चित्र तो आपने देखा ही होगा, आपके घर में घंटा होगा भाई। ये इसमें यहाँ पर होता है, इसमें देखिए हमेशा क्वेश्चन घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के संबंध में ही पूछेगा आपसे। कभी भी क्वेश्चन जो है उसके सेकंड वाली सुई से नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कभी भी आज तक नहीं पूछा, आगे भी नहीं पूछेगा। तो इसमें ये एक गैप, जो ये 12 से एक गैप होता है, इसको हम गैप कहते हैं। इस एक गैप की वैल्यू होती है 30 डिग्री। एक गैप की वैल्यू होती है भाई कितनी, 30 डिग्री, और 12 गैप की वैल्यू हो गई 360 डिग्री। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मैनी एंगल बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी एक गैप है। इसी प्रकार अगर 12 से 6 पहुँच ले तो 6 18 180 का एंगल बनेगा। वह आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाता है हाउ मनी एंगल बिटवीन 5 6 10 11 12 3 12 3 के बीच में 1 2 3, 1 ये 2 और ये 3। तो 3 3 9 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई। ऐसे 12 और 3 के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। अगर आपको कहे कि एडजैक्ट 3 बजे है और कितने डिग्री का एंगल बना है, तो एडजैक्ट 3 बजे में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपसे कहे कि 12 से 12 तक ही 1 घंटे में कितना एंगल होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे 360 डिग्री। तो घंटे की सुई को हम इंग्लिश में आवर हैंड कहते हैं। घंटे की सुई, और ये 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाती है, और 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन भाई, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे हमारी, जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को आप समझे और इनका रिवाइज करें तो घर पर जाकर, तभी आपके समझ में आए। क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर काफ़ी हार्ड टॉपिक है और इनसे कुछ फिक्स भी नहीं है कि सवाल आएगा या नहीं। अब देखते हैं मिनट हैंड। मिनट की सुई, ये 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है,
और 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री। ये बात भाई ध्यान रखे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अभी इसका एक फॉर्मूला है एंगल निकालने का, क्या है, एंगल इज इक्वल टू 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 इंटू मिनट हैंड बाई 2। ठीक है भाई, 60 इंटू आवर हैंड माइनस 11 इलेवन मिनट हैंड अपॉन 2, यानी आवर अगर आपको दे दिया कि आवर की सुई 12 पर है और मिनट की सुई 3 पर है, तो एंगल बताइए इनके बीच में कितना होगा। तो 60 गुणा 12 माइनस 11 गुणा 3, ठीक है भाई, बाई 2। तो देखिए इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 12 चौक 72, 720/2 गुणा 33/2, 360। ठीक है भाई, तो देखिए तीन सौ साठ माइनस 33/2, 720 माइनस 33/2, 7 8 6/2, इतना डिग्री एंगल होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसमें दिया गया है 12:15, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूरा डिवाइड करेंगे हम 3 4 3.5, 343.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अभी हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखें एंगल भी दो प्रकार के होते हैं, एंगल आर टू टाइप्स। एक होता है इंटीरियर एंगल, जैसे कि जो आता है हमारा वही सेम। अगर आपसे पूछ ले एक्सटीरियर एंगल, तो आप 360 में से अपना एंगल घटाएंगे। ठीक है भाई, दो प्रकार के होते हैं। एंटीरियर में सेम आएगा जो आपका आया है, एक्सटीरियर पूछ ले तो 360 माइनस आपका एंगल हो जाएगा। ये दो प्रकार के एंगल हो गए। अभी देखते हैं एक घंटे में इन 1 आवर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री दो टाइम्स बनते हैं, दो टाइम्स बनते हैं। इसी प्रकार 12 घंटे में ये 22 टाइम बनते हैं। ठीक है भाई, और 24 घंटे में 44 टाइम। 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री दो बार बनते हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं दूसरे एंगल भी बचे हैं कुछ अभी, 180 डिग्री, 270, 360 और 0 डिग्री एक टाइम बनते हैं भाई। कितने टाइम, एक टाइम, एक टाइम बनते हैं। और 12 घंटे में ये 11 बार बनते हैं और 24 घंटे में ये 22 बार बनते हैं। देखिए 30, 60, 90, 120 दो बार बनते हैं,
अस्सी, 70, 360 और 0 एक बार बनते हैं। यहीं ये 12 घंटे में 22 बार बनते हैं, यहीं 24 घंटे में ये 44 बार बनते हैं, यहीं 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो इनसे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। मैं अभी कराऊंगा एक दो कॉन्सेप्ट इसका, मतलब एक दो सवाल। जैसे कि ये सवाल होगा इसका कि इन 1 आवर हाउ मैनी टाइम्स मेक 30 डिग्री एंगल। इसके ऑप्शन हो जाएंगे 2, 4, 3 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप 2 लगाएंगे। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा भाई, एयरफोर्स में ये कोई इतने बड़ा लेवल नहीं आता, एयरफोर्स का बहुत हल्का लेवल आता है। तो अभी देखते हैं, अगर अगर मिनट और आवर की सुई सुइयों के बीच एंगल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल फाइंड करने को कहा जाए तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। 12 × 11, 12/11 इंटू मिनट की सुई जितना मूव करेगी। 12 × 11 तो फिक्स है भाई, आपको देखना है मिनट की सुई कितना मूव कर रही है घंटे में। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 9, 3, 6, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। जैसे कि आपको मान के चलिए कि ये एक सुई है, आपसे पूछ लिया जाए कि 7 से 8 बजे के बीच 180 का एंगल कब बनेगा? तो 7 बजा दीजिए पहले आप, 7 बज गए तो 7 यहाँ पर बजेंगे ये। अब पूछा ये तो 7 बज गए भाई, अब पूछा है 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो देखिए, जब ये यहाँ पर जाएगी सुई, मिनट की सुई यहाँ पर जाएगी ये, तो घंटे की सुई भी तो आगे जाएगी ना, ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल बनेगा इससे, स्ट्रेट लाइन में। तो मिनट की सुई कितनी आगे चली? 12 से 1 पर गई तो 5 मिनट आगे चली, तो 12/11 इंटू 5, और इसका जवाब आएगा 5 सही 5/11, यानी 5 मिनट और 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट पर एडजैक्ट 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आपका सही जवाब होगा। मैं देखो एक बार और समझते हैं, अगर मिनट और घंटे की सुइयों के बीच एंगल निकालना हो तो 12/11 तो फिक्स है भाई, और मिनट की सुई जितना मूव करेगी। एग्जाम्पल है 7 से 8 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो देखिए 7 बज गए यहाँ, तो यहाँ 7 बज गए, यहाँ ये 12 पर होगी मिनट की सुई, घंटे की सुई 7 पर, तो 7 बज गए। अब जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ही घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि 7 बजे तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है 7 से 8। तो जैसे घंटे की सुई आगे गई, मिनट की सुई भी ऐसे आगे गई, तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री होता है, और 12 से 1 पर जाने में 5 मिनट आगे चली, तो 12/11 × 5, तो 5 सही 1/5 पर एडजैक्ट 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा।
अगर वीडियो में भाई ज़रा सा भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम देखते हैं, और भाई शेयर करो अपने फ्रेंड्स में मिरर इमेज। अगर आपको मिरर इमेज कहे कि 1 घंटे में इतना समय बजा है, इतना समय हो चुका है, और अगर हम उसे मिरर में देखेंगे तो कितना समय होगा, तो मिरर इमेज इक्वल टू होता है MI, मिरर इमेज इक्वल टू 1160 माइनस गिवन टाइम। गिवन टाइम, या इसको हम 12 माइनस गिवन टाइम भी कह सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर घंटे में 3 बजे है तो मिरर में कितना समय दिखाएगा, मिरर में कितना समय दिखाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए 12 माइनस गिवन टाइम कितना है हमें, 3, तो 3 तो 9 बजे, 9 बज रहे होंगे मिरर में। कितने बज रहे होंगे भाई, 9। मिरर इमेज पूछे तो 1160 माइनस गिवन टाइम, या 1160 को हम 12 भी लिख सकते हैं ऐसे, 12 माइनस गिवन टाइम। अगर घंटे एग्जांपल है इसका, अगर घंटे में 3 बजे है तो मिरर में कितना समय होगा, समय होगा, और 12 तो फिक्स है भाई, गिवन टाइम कितना है 3, तो 12 में से 3 गए तो 9 बज रहे होंगे भाई मिरर में। इसी प्रकार वाटर इमेज, वाटर इमेज का फॉर्मूला होता है WI 1830 माइनस गिवन टाइम। एग्जाम्पल, अगर घंटे में 11 बज रही है तो अगर हम पानी में देखें तो कितने बजे होंगे, कितने बजेंगे। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से 1830 माइनस 11 तो कितने बजाएंगे, ये बजेंगे भाई 7:30, तो 7:30 बजेंगे। अगर घंटे में 11 बज रही है, अगर हम उसका प्रतिबिंब उसमें देखेंगे वाटर में, तो 7:30 बजेंगे। अगर यहाँ पर हमें मिरर का वाटर का दे दें कि वाटर में इतने बजे है और आपको बताना है कि घंटे में कितने बजे होंगे, तो वाटर का यहाँ टेक देंगे, ये तो फिक्स ही है, और गीवन यहीं रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है भाई, अगर इसी प्रकार आपको पूछ ले घंटे में कितने बजे होंगे, तो यहाँ लिखना आप गिवन टाइम, इधर आ जाएगा गिवन टाइम, 1830 तो फिक्स ही है, माइनस वाटर इमेज का टाइम। वाटर इमेज का टाइम। तो आज हमारा क्लो टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे अच्छे, और सभी कॉन्सेप्ट को हम एक बार, मतलब सभी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। फिर हम परसों से कुछ नया टॉपिक चलाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई अपनी तैयारी करो, क्योंकि फॉर्म भी फिल कर चुके होंगे आप, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर साइट वाइट नहीं चलती है एयरफोर्स की, ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या पता क्या हो जाए। तो इससे अच्छा है कि अपना पहले ही मजबूत होकर चलो, पढ़ाई में भी और फॉर्म भी फिल करो। और भाई वीडियो को, अगर आपको मज़ा आया वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।